सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए प्रीति काव्य के अंतर्गत जगन्नाथ दास द्वारा रचित उद्धव शतक के कुछ पद पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में भी हमने जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित कुछ पद पढ़े थे, जिसमें हमने देखा कि किस तरह है उद्धव जी जो हैं ज्ञान योग का संदेश लेकर ब्रज में पहुंचते हैं, लेकिन गोकुल की गलियों में ही आते ही वो उनके जो ज्ञान पर जो उनको घमंड था, गर्व था, उसकी बजाय उन्हें प्रेमानुभूति होती है। उद्धव के आने का समाचार सुनकर गोपियां अपना सारा काम छोड़कर श्री कृष्ण का समाचार सुनने के लिए उद्धव जी के पास आती हैं, और उस समय उद्धव जी को चिंताग्रस्त देखकर वे चिंतित होती हैं। उससे आगे का अंश हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी ब्रज गावनी के पावन जबे लगी, कहे रत्नाकर ग्वालिनी की छोरी छोरी झोरी झोरी दोरी दोरी नंद पोरी आवन तबे लगी। उजकी उजकी पद कंजनी के पंजनी पे पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छवे लगी। हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ कहन सबे लगी। यहाँ उद्धव जी के आगमन का समाचार सुनकर सभी गोपियां उनके पास आकर बैठ गईं। तब वे यह जानने के लिए उतावली होने लगी कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेशा भेजा है। इस कवित में इस संवाद पर ही आधारित वर्णन कवि ने किया है। रत्नाकर कवि कहते हैं कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी ब्रज गामनी में पावन जबे लगे। रत्नाकर कवि कहते हैं कि प्रियतम श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव के आने का समाचार ज्यों ही ब्रज के गांव में फैलने लगा, त्यों ही वहां की युवतियों में जो क्रिया हुई उसके बारे में बताते हुए कवि कह रहे हैं कि कहे रत्नाकर ग्वालिनी की झोरी झोरी दोरी दोरी नंद पोरी आवन लगी। त्यों ही वहां से गोपियों के झुंड के झुंड दौड़कर नंद के द्वार आने लगे। उजकी उजकी पद कंजनी के पंजनी पे पैखी पैखी पाती छाती छोहनी छवि लगी। वे अपने चरण कमलों के पंजों पर उचक उचक कर और प्रियतम कृष्ण के पत्र को देकर क्षोभ और आतुरता से व्याप्त हो गई। हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ कहन सब लगे सबे लगे। वे सभी उस संदेश पत्र में लिखी गई बातों को जानने के लिए उत्सुक थी। इस कारण वे सब एक साथ पूछने लगी कि प्रियतम कृष्ण ने हमको क्या लिखा है, हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। इस तरह है जो है सारी गोकुल गांव की जो ग्वालिन हैं वे सब आकर श्री कृष्ण का संदेश पाने को आतुर और उत्सुकता से कहने लगी। सब जानना चाह रही थी कि श्री कृष्ण ने उनके लिए क्या संदेश लिखकर भेजा है। यहाँ उद्धव के सम्मुख उपस्थित सभी गोपियों ने अपने लिए प्रेषित संदेश एक साथ जानना चाहती हैं। इसके कारण वे अपनी उत्सुकता जाहिर कर रही है। यहाँ कवि ने विप्सा अनुप्रास और पुनरुक्ति व रूपक अलंकार से काव्य पद को
सजाया। देखी देखी आतुरी बिकल ब्रज बारनी की, उद्धव की चातुरी सकल बही जात है, कहे रत्नाकर कुशल कही पूछे रहे, अपन स्नेह की न बातें कही जात है, मौन रसना हवे जोग जदपि जमायो सवे, तदपि निराशा बासना न गही जाती है, साहस के कछुक उमाही उछिबे को ठाही, चाही उत गोपिका कराही रही जाती है। यहाँ ब्रज युवतियाँ उद्धव के पास आकर प्रियतम कृष्ण के संदेश को जानने के लिए आतुर हो उठी। उनकी यह दशा देखकर उद्धव से न तो कुछ कहने ही बनता है और न वह उनसे कुछ पूछ ही सका। इससे उद्धव की भी विचित्र स्थिति हो गई। देखी देखी आतुरी बिकल ब्रज बारनी की, उद्धव की चातुरी सकल बही जाती। रत्नाकर कवि कहते हैं कि ब्रज बालाओं की अत्यधिक आतुरता देखकर उद्धव की सारी चतुरता बहने लगी, अर्थात उद्धव का सारा ज्ञान नष्ट होने लगा। कहे रत्नाकर कुशल कही पूछी रहे, अपर स्नेह की न बातें कही जाती। तब वे किम कर्तव्य विमूढ़ होकर केवल श्री कृष्ण की कुशलता बताकर तथा गोपियों की कुशलता पूछकर ही मौन रहे, इससे अधिक वह और संदेश उद्धव जी नहीं कह सके, अर्थात उद्धव ज्ञान योग की बात कहना चाहते हुए भी कह नहीं सके। मौन रसना हवे जोग जदपि जमायो सबे, तदपि निराश बासना न गही जाती है। उद्धव के इस तरह मौन रहने से सभी ने यह अनुमान लगा लिया कि वे गोपियों को योग का उपदेश देने की सोच रहे हैं, परंतु अभी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। फिर भी उन्होंने निराशा का भाव ग्रहण नहीं किया। साहस के कछुक उमाही पूछिबे को ठाही, चाही उत गोपिका कराही रही जाती। अतः गोपियों ने उद्धव की इस द्वंद्वात्मक स्थिति को देखकर साहस करके और कुछ उमंग करके पूछने की इच्छा की, परंतु चाहते हुए भी वे नहीं पूछ सकी और केवल करा व आह बनकर ही रह गई। यहाँ कवि ने उद्धव और गोपियों की अनिश्चयात्मक मानसिक स्थिति के कारण उनका वार्तालाप नहीं हो पा रहा है। कवि ने यहाँ अनुप्रास पुनरुक्ति और विरोधाभास अलंकार से काव्य पद को सजाया है। मनोवैज्ञानिक चित्रण कवि ने बड़ी कुशलता के साथ किया है। दीन दशा देखी ब्रज बालनी की उद्धव को, गरिको गुमान ज्ञान गौरव उठाने से, कहे रत्नाकर न आए मुख बेन ने, नीर भरी लाए भय सकुचे सिहाने से, सुखे से श्रमे से सबके से सके से थके, भूले से भ्रमे से भबरे से भगवाने से, होले से हले से हुल हुले से हिये में हाय, हारे से हारे हरे से रहे हेरत हिराने से। ब्रज बालाओं की आतुरता देखकर उद्धव जी की विचित्र दशा हो गई। इससे वह न तो कुछ कह सके और न कुछ कहने की चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ कवि ने उद्धव की उसी विचित्र दशा का चित्रण इस पद में किया है। रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि दीन दशा देखी ब्रज बालनी की उद्धव को, गरिगो गुमान ज्ञान गौरव गुठाने से, कि ब्रज बालाओं की आतुरता और दीन दशा को देखकर उद्धव के ज्ञान गौरव का गर्व एकदम नष्ट हो गया, अर्थात उद्धव जो स्वयं को ज्ञानी मानते थे
परंतु गोपियों की प्रेम व्यथा देखकर उद्धव भी धीरे धीरे उनसे प्रभावित होने लगे। कहे रत्नाकर न आए मुख बेन नेन, नीर भरी लयाए भय सकुचे सिहाने से। उस समय उद्धव जी के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला, उनके नेत्रों में आंसू भराए और संकोच के कारण भी सहमे से हो गए। सूखे से, श्रमे से, सकबके से, सके से, थके से, भूले से, भ्रमे से, भबरे से, भकुवामने से। उस समय वे उदास, निराशा से, थके हुए से, किंग कर्तव्य विमूढ हुए से, घबराए से, ससंकित से, परेशान से, भूले से, भ्रम में पड़े से, घबराए हुए और बौखलाए हुए से थे। होले से, हले से, हुल हुले से, हिये में हाय, हारे से, हरे से, रहे एरत हिराने से। अत्यधिक व्याकुलता से उद्धव कांपते हुए निश्चेत हुए, हृदय में लाठी की चोट खाए हुए से, हारे से, लूटे हुए से और खोए खोए से गोपियों की तरफ देख रहे थे। यहाँ कवि ने उद्धव की विचित्र दशा का चित्रण करते हुए प्रेम की महिमा का वर्णन किया है। इसमें व्याकुलता एवं बेचैनी को प्रकट करने वाले विभिन्न अनुभवों का मर्म स्पर्शी चित्रण कवि ने किया है। मालो उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों से कवि ने काव्य पद को सजाया। मोह तम राशि नासिबे के सह हुलास चले, करके प्रकाश पारी मति रति मानती पर, कहे रत्नाकर पे सुधी उगिरानी सबे, दूरी परी वीर जोग जुगती संघाती पर, चलत विषम साती बात ब्रज बारिनी की, विपति महान परी ज्ञान भरी बाती पर, लक्ष दुरे सकल बिलोकत अलक्ष रहे, एक हाथ पाती एक हाथ दिए छाती पर। यहाँ ब्रज वनिताओं के अपार प्रेम को देखकर उद्धव का सारा जो ज्ञान है वो है गायब हो गया, तिरोहित हो गया। तब उद्धव की विचित्र दशा जो है हो गई। यहाँ कवि ने उद्धव जी की इसी विचित्र दशा का चित्रण किया है। रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि मोह तम राशि नसीबे को सहुलास चले, करी के प्रकाश पारी मति रति माती पर। रत्नाकर कवि कहते हैं कि उद्धव मथुरा से उल्लास के साथ यह सोचकर चले थे कि गोपियों की प्रेम से उन्मुख हुई बुद्धि पर ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश डालकर अज्ञान अंधकार के समूह को नष्ट कर देंगे, अथवा ब्रह्म में फंसी हुई उनकी मति को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर देंगे। कहे रत्नाकर पे सुधी उघिरानी सभे, दूरी परी वीर जोग जुगती संघाती पर। परंतु ब्रज में पहुंचकर वे स्वयं ही अपनी सारी सुधी बुद्धि भूल गए और योग युक्तियों की सहायक धैर्यशीलता पर धूली पड़ गई, अर्थात उद्धव का धैर्य नष्ट हो गया। चलत विषम ताती बात ब्रज बारिनी की, विपति महान परी ज्ञान भरी बाती पर। ब्रज बालाओं की विषम कष्टदायक तथा दुःखपूर्ण बातें चलने पर उद्धव की ज्ञानपूर्ण बातें संकट से ग्रस्त हो गईं। लक्ष दुरे सकल बिलोकत अलक्ष रहे, एक हाथ पाती एक हाथ दिए छाती पर। गोपियों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने के लिए उनके सारे लक्ष्य अलक्ष्य अर्थात अदृश्य हो गए। तब उद्धव लक्ष्यहीन बनकर किम कर्तव्य विमूढ होकर एक हाथ से श्री कृष्ण के पत्र को और दूसरे हाथ को अपने हृदय पर रखकर गोपियों की ओर निश्चेष्ट देखने लगे। यहाँ कवि ने
यमक अनुप्रास रूपक अलंकारों से काव्य पद को सजाया है। एक चित्रण कवि ने यह भी किया कि उद्धव एक हाथ में पत्र लेके खड़े हैं, दूसरे हाथ उन्होंने अपनी विवशता प्रकट करने के लिए छाती पर रख रखा है। सभी पदों में कवि ने जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जो भावों के अनुरूप सरस है। कवि ने वियोग श्रृंगार रस का, जो वियोग श्रृंगार रस से परिपूर्ण ये पद रचे हैं। यहाँ कवि ने ज्ञान योग पर प्रेम योग का महत्व बताया है। यहाँ पर जो है माधुर्य गुण से युक्त पदों की रचना कवि ने की है। आज की कक्षा के लिए इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।